SRM टुडे शहर की आवाज। मंदसौर नगर में डोडा चूरा तस्करी के मामले में निम्बाहेड़ा के दो डोडा चूरा व्यापारियों पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें दो व्यापारियों की मौत हो गई थी और दो घायल हो गए थे। इसी हत्या के सनसनीखेज मामले में आज हमलावरों के खिलाफ बयान देने के लिए गवाह कोर्ट पहुंचे। इन गवाहों को जान से मारने की धमकी मिलने के कारण 40 से 50 हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों ने गवाहों की सुरक्षा की। मंदसौर में लगातार तस्करी जैसे मामले आए दिन सुनने के लिए मिलते हैं। ऐसा ही एक मामला विगत 13 मार्च 2014 को सामने आया था, जिसमें दो डोडा चूरा व्यापारियों में मुठभेड़ हो गई थी। इस दौरान फिल्मी स्टाइल में निम्बाहेड़ा के डोडा चूरा के व्यापारियों पर बाबू बिल्लोद के इशारे पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें कार में सवार 5 लोगों में से 2 लोगों की मौत हो गई थी और 2 लोग घायल हो गए थे। आज उसी हत्या के मामले को लेकर कोर्ट में गवाहों की पेशी थी। गवाहों को लगातार फोन पर धमकी मिल रही थी कि गवाही दी तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसी को लेकर गवाहों को 20 सुरक्षा कर्मियों की निजी सुरक्षा में मंदसौर पेशी पर लाया गया। वहीं निम्बाहेड़ा पुलिस, नीमच पुलिस व मंदसौर पुलिस ने भी गवाहों की सुरक्षा के हिसाब से पुलिस जवानों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया। लेकिन आज अभिभाषकों की एक दिवसीय हड़ताल होने पर इन लोगों के बयान नहीं हो पाए। इनकी तारीख कोर्ट द्वारा आगे बढ़ाई गई है। आगामी 7 जुलाई को ये फिर से बयान देने के लिए मंदसौर आएंगे। इस मामले में कार में सवार 5 लोगों में से हाजी मोहम्मद हुसैन मुजीब खान की मौत हो गई थी। वही रमेश तक्का घायल हुए थे और एक फरार हो गया था। इस मामले में बाबू बिल्लोद के खिलाफ आज कोर्ट में बयान देने के लिए ये गवाह मंदसौर आए थे। ये हबीब लाला आदि बाबू बिल्लोद वाले केस में इनके दोनों भाई लोग मरे थे, उन्होंने हत्या करी थी, उसमें आए थे, गवाह देने आए थे। आज वकीलों की हड़ताल है, इसलिए 7 तारीख 7-7 लग गई है। हाँ, उनसे काफ़ी ये डरे हुए हैं, इसलिए ये प्रोटेक्शन वारंट से आए थे पुलिस के। बाबू बिल्लोद और उसके लड़के डोरा चोरा के जो ठेके होते हैं उसके ऊपर से उन्होंने किया था कि आज 3 आए थे। ये सुरक्षा व्यवस्था है कि अपने MP की और राजस्थान की दोनों, वो कोर्ट के आदेश 7 तारीख। हाँ, मंदसौर कोर्ट में हाजी मुजी मर्डर कांड वाले में आज गवाहों की पेशी थी, जो गवाह की सुरक्षा के लिए यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी, जो लाइन से और पुलिस थाना कोतवाली से सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी। पेशी शांतिपूर्ण तरीके से निपट गई। रेगुलर रूटीन जो सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाती है उस वजह से सनसनीखेज मामला इस के लिए सुरक्षा लगाई गई थी। ये उनकी सुरक्षा जो साक्षी है, गवाह, उनके पर्सनल सिक्योरिटी 7-8 करीब से उनके सुरक्षा गार्ड थे वो साथ में। यहाँ मंदसौर में तो 7-8 उनके प्राइवेट थे और बाकी पुलिस की सुरक्षा। संवाददाता विपिन चौहान के साथ SRM टुडे मंदसौर।
SRM टुडे, शहर की आवाज़।